मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कल हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ चार जीवन की सीख नामक कविता के तीन पैरे पढ़े थे। आओ आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है, नदी बताती कलकल स्वर में बहना मेरे भाई। इसमें कवि कह रहा है, नदी कह रही है कि मैं कलकल करती हुई बहती हूँ। मनुष्य को भी अपने जीवन में चाहे कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उसका भी समान रूप से सामना करना चाहिए। झरना कहता पल पल झरते सबकी करो भलाई। कवि कहता है, झरना कहता है कि मैं पल पल झरता रहता हूँ, हर समय झरता रहता हूँ और एक समान झरता हूँ। वैसे ही हमें दूसरों की मदद करते रहना, भलाई करते रहना चाहिए। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपना अपनापन। इसमें कवि कह रहा है, आसमान हंसकर कहता है मुझसे तुम सीखो क्या अपनापन। आसमान जैसे प्रकाश सबको समान रूप से देता है, वैसे ही हमें दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धरती कहती है धीरज से, धीरज का मतलब है धैर्य या सहन से, फैला लो अपनापन। धरती कहती है कि तुम मेरी तरह सहनशील बनो, धैर्यवान बनो। मैं सबके अवगुण और गुण को अपने अंदर समा लेती हूँ, वैसे ही तुम दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुण को अपने अंदर समा लो। आगे देखो, खिलखिल हंसते फूल बताते हर सुख में मुस्काना। इसमें कवि कहता है कि फूल खिलकर और हंसते हुए बताते हैं कि हर सुख और दुख में मुस्कुराना चाहिए। वैसे ही व्यक्ति को, ये नहीं कि सुख में तो सुखी रहे और दुख में दुखी, नहीं, दोनों ही सुख और दुख में उसे मुस्कुराते रहना चाहिए। कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व गाना। कोयल कहती है जैसी मेरी मधुर वाणी से मैंने नए विश्व का, विश्व जगत का गाना गाया, वैसे ही तुम अपनी मधुर वाणी से दूसरों का मन जीत लो। उनकी कड़वी वाणी के बदले उनकी कड़वी कटु वाणी में जवाब नहीं देना, अपनी मधुर वाणी से भी उनको अपना बनो। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने मानी। इसमें कवि कहता है कि अगर हमने सभी से अच्छी बातें सीखी हैं तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। अमराई का मतलब होता है आमों का बाग। जैसे आमों के बाग में आमों की महक चारों तरफ फैल जाती है, उसी प्रकार धरती पर हमारा प्यार भी समान रूप से फैलेगा। धन्यवाद।